नमस्ते जी, वैदिक राश में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यजमय शाकाहार युक्त वैदिक जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। वेद सृष्टि के प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों के अध्ययन से ही मनुष्य को धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है, जो आज भी प्रासंगिक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में संसार में जो मत मतांतर प्रचलित हैं, वह सब भी वेद की कुछ शिक्षाओं से युक्त हैं। उनमें जो कुछ अविद्यायुक्त कथन व मान्यताएँ हैं, वह उनकी अपनी है। वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। वह ज्ञान ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में आमैथुनी सृष्टि में चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिया था। ईश्वर एक सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अनादि, नित्य, अविनाशी, अमर सत्ता है। इस सृष्टि की रचना भी परमात्मा ने ही की है। इसका पालन भी सर्वव्यापक सब जीवों और प्राणियों के पिता सर्वेश्वर ही कर रहे हैं। सर्वज्ञ और सर्वव्यापक होने से परमात्मा इस ब्रह्मांड, संसार, विश्व के बारे में सब कुछ जानता है। मनुष्य कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, यहाँ तक कि उपासना आदि से ईश्वर का साक्षात्कार भी कर ले, परंतु वह परमात्मा के समान ज्ञानवान नहीं हो सकते। ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान का अध्ययन करने से उसमें ईश्वर की सर्वज्ञता का बोध और दर्शन होते हैं। वेदों का अध्ययन कर ही हमारे ऋषियों ने एक मत होकर सृष्टि के विगत 1.96 अरब वर्षों के इतिहास में सभी मनुष्यों के 5 प्रमुख कर्तव्य बताए हैं, जिन्हें वह पंच महायज्ञ कहते हैं। इन पंच महायज्ञों के नाम ईश्वर उपासना व संध्या, देवयज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ, बलिवेश, देवेश यज्ञ, इन पंच महायज्ञों में से युक्त होने के कारण ही वैदिक धर्म और संस्कृति यज्ञमयी संस्कृति कही जाती है। हमें यज्ञ शब्द के अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। यज्ञ श्रेष्ठतम और सत्यज्ञान से युक्त कर्मों को कहते हैं। परोपकार सुपात्रों को दान देना भी यज्ञ में सम्मिलित होता है। यज्ञ का एक अर्थ विद्वान चेतन देवों की पूजा और सत्कार करना होता है। चेतन देव माता पिता विद्वानों सहित पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि जड़ देवताओं की पूजा अर्थात इनका सत्कार व इनसे लाभ प्राप्त करना, संगतिकरण और दान देना भी होता है। अग्निहोत्र यज्ञ में देव पूजा, संगतिकरण, दान का अच्छा समावेश रहता है। यज्ञ में विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है, उनसे सदुपदेश प्राप्त किया जाता है। यज्ञ को हम जो घृत और साकल्य आहुति यज्ञ में देते हैं, उनसे जड़ देवताओं का सत्कार होता है तथा प्रकृति व पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अग्निहोत्र यज्ञ से वायु जल की शुद्धि, रोगकारी कीटाणुओं का नाश, मनुष्य आदि प्राणी रोगों से रहित स्वस्थ रहते हैं। यज्ञ से वेद मंत्रों से ईश्वर की उपासना की जाती है, जिससे वेद मंत्रों के अर्थों के अनुरूप परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को हमारी पात्रता के अनुसार पूरी करते हैं। यज्ञ से सब कामनाओं की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो विचार करने पर सत्य और व्यवहारिक प्रतीत होती है। यज्ञ की इन सब अन्य विशेषताओं के कारण ही परमात्मा ने वेदों में यज्ञ करने की प्रेरणा की है, जिसे जानकर हमारे प्राचीन और अवचनीय ऋषियों व विद्वानों ने देश देशांतर में यज्ञों का प्रचार किया था। आज भी वैदिक धर्म और ऋषि दयानंद के अनुयायी आर्य समाज संगठन से जुड़े बंधु यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ होने वाले लाभों को प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने से मनुष्य रोग रहित, स्वस्थ और अभावों से रहित हो जाते हैं। यज्ञकर्ता सुखी और ज्ञान विज्ञान सहित होकर सामाजिक जीवन में भी उन्नति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा ने यह सृष्टि अपनी सनातन शाश्वत जीवात्मा रूपी प्रजा के लिए ही बनाई है। हम संसार में सुखों का उपभोग करते हैं, जिसका आधार परमात्मा व उसकी सृष्टि ही है। हमारा शरीर भी हमें परमात्मा से ही प्राप्त होता है। सभी प्रकार के अन्न और भोजन आदि भी हमें परमात्मा द्वारा बनाए चराचर जगत से ही प्राप्त होते हैं। अतः हमारा कर्तव्य होता है कि हम ईश्वर का ध्यान करें, उसे जानें, वेदाध्ययन करें, वेद में प्रस्तुत ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर उसकी उपासना करें, सदा उसके कृतज्ञ बने रहें। ईश्वर का ध्यान करने से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। उसकी आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, सद प्रेरणाएं मिलती हैं। ईश्वर उपासकों की रक्षा करता है। ईश्वर की उपासना से मनुष्य दुखों से छूटकर सुखों को प्राप्त होते हैं। ऐसा अनेकानेक लाभ होते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त कर उसकी उपासना करने से होते हैं। ईश्वर ने ही हमें यह श्रेष्ठ मानव शरीर दिया है। वही हमें परजन्मों से भी हमारे कर्मों के अनुसार जन्म, जीवन और आत्मा को सुख प्रदान करने वाले शरीर आदि देगा। यह क्रम अनंत काल तक चलना है और हम अनादि व अमर होने के कारण ईश्वर के अनंत काल तक वर्तमान जीवन के समान लाभान्वित होंगे। ईश्वर के जीवात्माओं पर इतने अधिक उपकार हैं कि कोई भी मनुष्य ईश्वर के उपकारों की गणना नहीं कर सकता। अतः ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर उसका ध्यान, उपासना करना, सभी प्रकार के अज्ञान, अंधविश्वासों और पाखंडों से दूर रहना हम सब मनुष्यों का कर्तव्य है। हमें सावधान रहकर अपने कर्तव्यों को जानकर उनका पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम ईश्वर की सत्य उपासना करते हैं। उससे हमें जीवन में ज्ञान, सुख, धन, संपत्ति, जीवन उन्नति, ईश्वर साक्षात्कार आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है।
यही सब ऐश्वर्य मनुष्य के लिए जीवन में प्राप्तव्य होते हैं। मनुष्य को ईश्वर उपासना सहित अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश, देवेश यज्ञ का भी नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। इसके लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश, पंचमज यज्ञ महाविधि, संस्कार विधि आदि पढ़ने चाहिए और हमें पंच महायज्ञों यज्ञमय जीवन पद्धति का परिचय और ज्ञान हो सकेगा। इससे परमात्मा ने मनुष्य को दूसरे प्राणियों पर उपकार करने के लिए बनाया है। हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे किसी भी कर्म से किसी भी प्राणी को अकारण पीड़ा ना हो। अहिंसा का अर्थ भी वीर त्याग और दूसरे प्राणियों को अपने समान समझकर उससे प्रेम और सत्कार का व्यवहार करने से पूरा और सिद्ध होता है। शाकाहार से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं होती, जबकि मांसाहार करने से जिन प्राणियों के मांस का भक्षण किया जाता है उन्हें अकारण असहनीय पीड़ा होती है। वेदों में मांस भक्षण का विधान कहीं नहीं है। वेद विरुद्ध व्यवहार और कार्य सब मनुष्यों के लिए कर्तव्य हैं। ज्ञान व विज्ञान के अनुरूप मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए शाकाहारी उत्तम भोजन है। शाकाहारी प्राणियों का जीवन मांसाहारी प्राणियों की तुलना में अधिक लंबा होता है। हाथी और अश्व आदि बलशाली प्राणी शाकाहारी होते हैं। मांसाहार से अनेक रोगों की संभावनाएं होती हैं। मांसाहार ईश्वर की आज्ञा के अनुविरुद्ध अकर्तव्य एवं पापकर्म होता है, जिसका फल मनुष्य को परमात्मा की न्याय व्यवस्था के जन्म जन्मांतरों में भोगना पड़ता है। हमारे महापुरुष श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि दयानंद जी शाकाहारी थे, अपूर्व ज्ञान व बल से संपन्न थे। हनुमान, कृष्ण पितामह भी अतुलित बलशाली थे और भोजन की दृष्टि से शाकाहारी थे। अतः मनुष्यों को शाकाहार अपनाना चाहिए। मांसाहार का त्याग करके यही जीवन सुख और उन्नति का आधार होता है। यदि हम अपने जीवन को यज्ञमय शाकाहार से युक्त रखेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। इसी कारण से हम सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना हमें चाहिए। अपने सब काम धर्मानुसार करके सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हम मांसाहार का त्याग करना होगा हमें और शाकाहार को अपनाना होगा। हमें सत्य मार्ग वेद पथ पर चलकर अपने जीवन को उन्नत, इसके प्रयोजन मोक्ष को सिद्ध करने का लिए काम करना होगा। इसी के लिए परमात्मा ने सृष्टि को बनाना आरंभ से ही मनुष्यों को वेदगान दिया बनाकर। वेद अध्ययन व अध्यापन करने के ग्रंथ हैं, जिनका हम जितना अध्ययन करेंगे उतने ही अधिक लाभ को प्राप्त करेंगे। यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो ईश्वर की आज्ञा भंग करने वाले होंगे। अतः हमें वेद अध्ययन, वेदों का स्वाध्याय करते हुए जीवन को यज्ञमय बनाकर शाकाहारी भोजन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही जीवन पद्धति श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। हमें सर्वोत्तम को ही अपनाना और आचरण में लाना चाहिए। वेदों का अध्ययन, वेदों के अनुसार ही आचरण करना सब मनुष्यों को ईश्वर प्रदत्त धर्म व कर्तव्य है। इसे जानना चाहिए, इसी को अपनाना चाहिए, जिससे हमें सुखों की प्राप्ति होने सहित जन्म जन्मांतर में हमारा कल्याण हो। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।